हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मदन क्लासेस। अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 10 मैथमेटिक्स आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 18 के बारे में, जो अपना चैप्टर है टेंजेंट एंड इंटरसेक्टिंग कोण के बारे में, जिसकी एक्सरसाइज 18A, 18B एंड 18C के 40 क्वेश्चन तक अपन डिस्कस कर लिए थे। इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 41, 42 और 43 के बारे में। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 के अंदर आपको फिगर गिवन है और फिगर में क्या गिवन वो देखिए। इन गिवन फिगर ए एंड बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट डी, ठीक है। इफ एंगल सी डी ई इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड सी डी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, फाइंड क्या करना आपको ए। तो मैंने फिगर और जो आपको गिवन था वो ऑलरेडी यहां पे ड्रॉ करके रखा हुआ। तो चलिए देखिए, आपको ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आपको वैल्यू किसकी गिवन है, ए बी, ए बी, ए बी ये गिवन है आपको। इसको मैं ज्वाइन करवा देता हूं, तो ज्वाइन ए बी ये कितनी है आपकी 5 सेंटीमीटर, बी डी कितनी है आपकी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये भी तो 90 है, ये 90 है, तो इस वाले ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दूं तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ये कितनी आएगी 3 आ जाएगी, ये 3 आ गई तो सीडी कितनी आपकी 9 सेंटीमीटर। तो अपन थ्योरम से जानते हैं, थ्योरम नंबर आपकी 12 है, उसमें जानते हैं कि इसका और इन दोनों का मल्टीप्लाई किसके इक्वल, इसके और इस दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल है। तो सबसे पहले मैं इस वैल्यू को निकाल लेता हूं। इन ट्राइंगल कौन सा ए डी बी के अंदर, इसमें एंगल डी क्या आपका 90 डिग्री, ठीक है ना, पूरा लिखो तो पूरा लिख देना या फिर ऐसे ऐसे लिख दो। इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल आपका ए डी और बी, इसमें अपन जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, या हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहां पे हाइपोटेनियस कितना आपका ए बी स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर करूंगा तो कितना, या फिर लिख देता हूं मैं ए बी स्क्वायर परपेंडिकुलर, या तो इसको ले लो या फिर इसको ले लो। तो परपेंडिकुलर यदि मैं ए डी को बी सी को लू बी डी को, तो बेस आपका क्या हो गया ए डी हो जाएगा। अब देखो ए बी, ए बी का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 इक्वल टू बी डी का स्क्वायर कितना 4 का स्क्वायर 16, फाइंड आउट करना है ए डी का स्क्वायर, 16 इधर आएगा तो 25 माइनस 16 इक्वल टू ए डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। यहां से ए डी की फाइंड आउट वैल्यू फाइंड आउट करूं तो रूट ऑफ 9 की वैल्यू कितनी 3 सेंटीमीटर, ये आपको फाइंड आउट करना था। अब अपन जानते हैं कि एई एई एंड बी सी आर इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट डी, ये इंटरसेक्ट कर रहा है। तो बाई थ्योरम से अपन जानते हैं कि एडी इंटू डीई इक्वल टू बी डी इंटू सी डी, एडी की वैल्यू कितनी है एडी 3 सेंटीमीटर, डीई अपने पास में है नहीं है फाइंड आउट कर लेंगे, बी डी की वैल्यू कितनी है 4 सेंटीमीटर और सी डी की वैल्यू कितनी है 9 सेंटीमीटर। इससे मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो डीई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर, कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। आपको फाइंड आउट करना है ए ई, फाइंड आउट करना है ए ई को क्या लिख सकता हूं एडी प्लस डीई, एडी प्लस डीई, तो ए ई इक्वल टू एडी की वैल्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर, डीई की वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर, तो एडी की वैल्यू कितनी आ गई 15 सेंटीमीटर आ जाएगी, कितनी आ गई 15 सेंटीमीटर। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, समझ गए होंगे आप। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन फिगर है, 42 के अंदर फिगर गिवन है। इन गिवन फिगर
सर्किल विद सेंटर ओ एंगल ए बी सी इक्वल टू 100 डिग्री, एंगल ए सी डी इक्वल टू 40 डिग्री एंड सी टी इज द टेंजेंट, ठीक है ना। और आपको इसमें फाइंड आउट करना है सी टी इज द टेंजेंट टू द सर्किल एट पॉइंट सी, फाइंड द एंगल ए डी सी एंड सेकेंड आपको फाइंड आउट करना है डी सी टी फाइंड आउट करना है। तो देखो निकाल देते हैं इसको भी। देखिए फर्स्ट को मैं फाइंड आउट करूं तो ए डी सी ये फाइंड आउट करना है, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो ए बी सी डी आपका क्या है, ए बी सी डी क्या है आपका, ए साइक्लिक क्वाड्रिलेट एरियल, साइक्लिक क्वाड्रिलेट एरियल क्यों है, क्योंकि इस ये चारों पॉइंट सर्किल की सर्क्यूफ्रेंस पे लाई कर रहे हैं, इसलिए क्वाड्रिलेट एरियल क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा। साइक्लिक है तो इनके अपोजिट एंगल का सम, तो इन दोनों का सम कितना 180। तो एंगल एबीसी प्लस एंगल एडीसी इनका सम कितना 180, इसकी वैल्यू 100 गिवन आपको, तो 100 डिग्री प्लस एंगल एडीसी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल एडीसी इक्वल टू 180 माइनस 100 डिग्री, एंगल एडीसी इक्वल टू कितना आ जाएगा 80 डिग्री, कितना आएगा 80 डिग्री, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट नहीं नेक्स्ट पार्ट इसका, ठीक है सेकंड को देखते हैं। सेकंड में आपको फाइंड आउट करना है डीसीटी, डीसीटी फाइंड आउट करना है, तो इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूं। देखिए ये कहां पे डी सी ये फाइंड आउट करना है। यदि मैं इस लाइन सेगमेंट की बात करूं, इस लाइन सेगमेंट की, ये लाइन सेगमेंट इस टेंजेंट के साथ ये वाला एंगल बना रहा है, ये वाला एंगल जितना होगा वो इसी लाइन सेगमेंट से एंगल की इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो मैं जानता हूं, वी नो दैट एंगल, या फिर कोड ले लेता हूं मैं, कोड सेकंड फाइंड आउट कर रहे हैं अपन, कोड ए सी, ए सी से टेंजेंट के साथ सबटेंड एंगल कौन सा, ए सी टी, ये किसके इक्वल होगा, एंगल ए सी बी के, ए बी सी के, किसके इक्वल होगा, ए बी सी के, क्यों, एंगल ऑफ अल्टरनेट सेगमेंट, एंगल ऑफ अल्टरनेट सेगमेंट। तो एंगल ए सी टी इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी है 100 डिग्री, ये कितना आ गया आपका 100 डिग्री, ठीक है। अब आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, डी एंगल डी सी टी की, तो इस टोटल में से ये वाला आप माइनस कर दोगे तो टोटल कितना, ए सी टी में से माइनस करना आपको ए सी डी को, ए सी टी की वैल्यू कितनी है 100 डिग्री, ए सी डी की वैल्यू कितनी है 40 डिग्री, माइनस करोगे तो वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री, कितनी वैल्यू आ गई 60 डिग्री। तो फर्स्ट का आंसर 80 डिग्री, सेकंड का आंसर आपका 60 डिग्री, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका 43, चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए देखिए फिगर आपको गिवन है, तो फिगर में ड्रॉ कर देता हूं, ये सर्किल आपको गिवन है, ठीक है। और इस सर्किल में ये आपका डायमीटर है, यहां से इस डायमीटर की इस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ की हुई है, ये लीजिए एक टेंजेंट, तो ये तो 90 डिग्री हो गया, ये क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री, ठीक है। मैं थोड़ा सा और इसको ऐसे बना देता हूं, ये लीजिए ये 90 हो गया, और ये आपका सेंटर पॉइंट ओ, और यहां से एक लाइन ये ड्रॉ की हुई है जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये पॉइंट आपका पी हो गया और एंगल आपका जेड हो गया, और ये एंगल आपको 65 डिग्री गिवन है, कितना 65 डिग्री गिवन है, ये एंगल एक्स गिवन है, ये एंगल आपका वाई गिवन है, और ये तो 90 है ही है आपका, ठीक है। क्यों, टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल कितना आपका ये है, ठीक है। ये पॉइंट एस, ये पॉइंट आपका टी,
और ये क्यों हो गया यहाँ पे सर्क्यू फ्रेंड्स पे, और ये आर हो गया, इतनी वैल्यू आपको गिवन है। तो देखो गिवन में आपको क्या क्या गिवन है वो देखिए। सबसे पहले गिवन में आपको गिवन है कि इन गिवन फिगर बिलो ओ इज द सेंटर ऑफ सर्किल, एस पी इज द टेंजेंट, लिख देना एस पी की आपकी टेंजेंट है, एंड एंगल एस आर टी इक्वल टू 65 डिग्री, फाइंड द वैल्यू, क्या फाइंड आउट करना है, एक्स कॉमा वाई एंड जेड, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। 2015 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है ये, तो देखिए ध्यान से इसको करते हैं अपन। अपन एक चीज जानते हैं इसके अंदर, देखो ये आपका सेंटर पॉइंट है और ये क्या हो गई, रेडियस हो गई। ये रेडियस और इसके बीच में जो एंगल सबस्टेंड होगा वो कितना, 90 डिग्री। तो OS परपेंडिकुलर है किस पे, SP पे, तो एंगल OSP ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। फिर मैं बात करूं इन ट्रायंगल कौन सा, TSR के अंदर ये बात करूं तो इस एंगल का सम, इसका और इसका, इन तीनों का सम कितना, 180 डिग्री। तो एंगल टी एस आर प्लस एंगल, चलो मैं लिख देता हूं, एंगल एस टी आर प्लस एंगल एस आर टी, एस आर टी, इन तीनों की वैल्यू कितनी, 180 डिग्री। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। टी एस आर की वैल्यू कितनी, 90 डिग्री। फिर एस टी आर की वैल्यू कितनी है, एस टी आर की वैल्यू एक्स डिग्री, प्लस एस टी एस आर टी की वैल्यू कितनी है, 65 इक्वल टू 180 डिग्री। तो इन दोनों को ऐड कर दूं, तो ऐड कर दो, जैसे कि आप 180 में से 90 को माइनस करो तो 90 मिलेगा, और ऐड करो इन सबको तो 155, और 155 को मैं 180 से माइनस कर दूं, 155 को इससे मैं माइनस करूं तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 25 डिग्री आ जाएगी, कितनी आ गई, 25 डिग्री आ जाएगी, x आ गया। y की वैल्यू फाइंड आउट करें तो इस आर्क से देखिए ध्यान से, ये वाला आर्क, इस आर्क से सेंटर पे सबस्टेंड एंगल आपका ये है, कौन सा, y, ठीक है। तो मैं आर्क ले लेता हूं, आर्क कौन सी, एस क्यू, इस आर्क से सेंटर पे सबस्टेंड एंगल कौन सा है, एंगल एस ओ क्यू इक्वल होगा एंगल इसी से सर्क्यूफ्रेंस पे सबस्टेंड एंगल आपका इस टी पॉइंट पे, तो कौन सा, एस टी आर, इसका क्या होगा, डबल होगा, कहां से, बाई थ्योरम 5 से, ठीक है। आगे देखिए, एंगल एस ओ क्यू इक्वल टू 2 इंटू, इसकी वैल्यू कितनी है, एस टी आर की वैल्यू एक्स डिग्री, एक्स है, तो एंगल एस ओ क्यू की वैल्यू कितनी है आपकी, वाई वैल्यू है, तो y इक्वल टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी, 25 डिग्री, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 डिग्री। ये कहां से है x की वैल्यू, कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, ये लीजिए ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड। अब मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, कौन सा, इन ट्रायंगल ओ एस पी के अंदर ये वैल्यू आपकी 50 डिग्री है, तो तीनों एंगल के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल ओ एस पी प्लस एंगल एस ओ पी प्लस एंगल ओ पी एस, इन तीनों की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 180 के इक्वल आ जाएगी, 180 के इक्वल आएगी। तो ओ एस पी की वैल्यू कितनी है आपकी, 90 डिग्री, प्लस एस ओ की वैल्यू कितनी है आपकी, y डिग्री, कितनी है y, और OPS की वैल्यू कितनी है, z,
इक्वल टू में कितना 180 डिग्री। यहां से y की वैल्यू में पुट करूं तो y की वैल्यू कितनी फाइंड आउट होगी 50 डिग्री प्लस z इक्वल टू ये 180 में से माइनस करोगे 90 को तो 90 डिग्री। तो यहां से z की वैल्यू कितनी 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री तो z की वैल्यू कितनी आ गई 40 डिग्री। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी 25 डिग्री, y की वैल्यू कितनी 50 डिग्री और z की वैल्यू कितनी 40 डिग्री। ये तीनों आपकी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आंसर मैं एक बार चेक कर लेता हूं, ठीक है, ये आपका आंसर है। तो 43 का क्वेश्चन भी कंप्लीट है, क्वेश्चन के साथ आपका चैप्टर भी कंप्लीट है और नेक्स्ट चैप्टर अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।